अब लोग कह रहे हैं विकास किए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ। चावल मिल रहा है फ्री गरीबों को, इस बार 43 सीट, हमको 75 सीट आया भाजपा को, तब भी नरेंद्र भाई मोदी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उनका पहचान पलटू वाला है। अब बच्चा बच्चा भी देश का और बिहार का बच्चा बोलता है कि पलटू, इसलिए पलटू पर अब भरोसा नहीं है। अब जनता भी, योगी जी बगल में है वहाँ पे अपराधी सब भाग रहा है या तो जेल में, और बिहार में जो अपराधी बढ़ रहा है। मेरे साथ अररिया लोकसभा के सांसद बल्कि लोकप्रिय सांसद सुलेमान पठान सिंह जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी हुई थी। इनके साथ सिक्किम विधानसभा के विधायक श्रीमान विजय कुमार मंडल जी भी आए हुए। क्या उद्देश्य है सर इस कार्यक्रम का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जी, उसी के विषय में हम लोग अपने कार्यकर्ता को बता रहे थे कि विश्वकर्मा योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलना है, ऐसे लोगों को जो मिलना है सबको अप्लाई करना है, ताकि गरीब लोगों को, खास करके जो वंचित रहा है उनके लिए यह लाभ है। प्रधानमंत्री का जो सपना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह योजना में झलकता है। जैसे किसान है, कहार है, वो जो है कहार है, लगातार देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जो पिछले चुनाव की बात किया जाए तो 1,47,246 ऐसे कुछ मतों से आपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया था। क्या माइंडसेट है कि इस बार जो है 2 लाख के आसपास से जो है पराजित करना? इस बार अररिया के लोग, विकास चारों तरफ हुआ है, मोदी जी जनता साथ, किसी से पूछिएगा तो सबको लाभ मिल रहा है सीधे। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 2 लाख से पार वोटों से इस बार भाजपा का दमन खुलने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का काम जो विकास हुआ है और सबको लाभ मिल रहा है, उसका जो विकास दिया है विकास को देख करके पुनः मोदी जी पर भरोसा करते हैं। इस बार लोकसभा में 400 सीट पाए, लेकिन सर इस बार जो दंगल है वो कहा जा रहा है लालटेन बनाम कमल का दंगल है, जो बहुत ही टक्कर का होगा। और इसमें एक बड़ी बात यह है, 2002 में ही जो भी हो तब मोदी लहर भी था, तभी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन जो है अररिया लोकसभा सीट पर आपका कब्जा यानी बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ था, जबकि मोदी लहर। क्या लगता है इस बार जो है छोड़िए ना, नहीं कर रहे 14 से लेके अभी जो 9 साल 10 साल विकास हुआ, विकास के नाम पे वोट नहीं चल रहा है। लालटेन की जरूरत है कहाँ, अब बिजली आ गई ना, इसलिए लालटेन वाले को 15 साल देख चुका है, इसीलिए लालटेन है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी है, और मोदी जी का विकास को आप लोग कह रहे हैं विकास किए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ। चावल मिल रहा है फ्री गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को, इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं, विपक्षी लोग। 2.5 लाख अररिया जिला में किसान को 2,000 रुपया करके साल में 3 बार मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख इलाज करने के लिए मिला है, मुद्रा योजना के तहत लोगों को पैसा मिल रहा है, योजना इलाज गरीब के लिए, और 2.5 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला है। जनता तय करेगी ना।
विरोध में बोलता वो बोलते रहे। देश की जनता और अच्छा सर नीतीश जी के बारे में कुछ बोल दीजिए, उसका मन तो देख रहे हैं डमाडोल हो रहा है, अगर भाजपा में वो आना चाहे तो क्या उसके लिए जो है वेलकम है, दरवाजा खुला है? मुझे लगता है कि भाजपा को उसके लिए अमित भाई ने कह दिया है नीतीश जी के लिए, क्योंकि भाजपा के साथ लगातार हुआ धोखाधड़ी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नया बिहार नीतीश कुमार, उनको कम सीट आया इस बार 43 सीट, हमको 75 सीट आया भाजपा को, तब भी नरेंद्र भाई मोदी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उनका पहचान पलटू वाला है। अब बच्चा बच्चा भी देश का और बिहार का बच्चा बोलता है कि पलटू, इसलिए पलटू पर अब भरोसा नहीं है। अब जनता भी उठ चुकी है नीतीश का राज भ्रष्टाचारियों, पूरी तरह से नीतीश जी से विश्वास उठ चुका है सबका। अब किसी जनता से पूछ लीजिए आप ब्लॉक जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। नीतीश प्रभावहीन है, नीतीश का प्रभाव कहीं नहीं है, डीएम से लेके एसपी से लेके ब्लॉक स्तर के कर्मचारी बिना घूस लिए जनता परेशान है। रोज हमारे यहाँ 1000 जनता आती है और यही कहता है कि हम लोग परेशान हैं। लगातार बिहार में कवरेज में आपको दिखाया हूँ और पलासी प्रखंड की बात किया जाए सर, दो दिन पहले महिला को कला रेत में धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया और उसी पंचायत में जिस पंचायत में परसों घटना हुआ है, 2 साल से लगातार जो है मर्डर हुआ है लेकिन अभी तक जो है बिहार पुलिस द्वारा उद्भेदन नहीं हुआ है, किसकी विफलता इसमें दिख रही है? मैं कह रहा हूँ जंगल राज पार्ट 2 है, अब अभी वहाँ पर कई घटना पहले भी हुआ जी, लेकिन पुलिस विफल है, पुलिस फेल है, पुलिस भर दिन पैसा कमाने में लगा रहता है, चोर क्रिमिनल को खोजता नहीं है, दारू वाला को खोजता है, अब पैसा लेके दारू वाला गरीब को जेल भेज देता है, बड़ा आदमी दारू पीता है उसको छोड़ देता है। ये तो है, तो नीतीश कुमार जो है वह उसका डर उसका भय प्रशासन पर नहीं है, शासन प्रशासन फेल है। अररिया में बैठ करके जो पदाधिकारी है वह दोनों आदमी सब महीना फिट किए हुए हैं, बता दूं मैं पोल खोल के रख दूंगा और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अररिया की जनता को लेके बहुत जल्दी हम घेराव करेंगे और बता देंगे भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है, बड़ा आंदोलन अररिया से ही शुरू होने। क्या लगता है जो योगी मॉडल है वो बिहार में अगर आ जाएगी तो भ्रष्टाचारी और जो है अपराधियों के दिलों में जो प्रशासन का खोफ नहीं है वो होगा? हम तो कहते हैं योगी जी का ट्रांसफर वाला बंद हो जाए, 6 महीना के लिए बिहार आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। योगी जी बगल में है वहाँ पे अपराधी सब भाग रहा है या तो जेल में, और बिहार में जो अपराधी बढ़ रहा है तो कहीं पे अंकुश नहीं है, ये लोगों को अपने अपने थप्पड़। अच्छा सर एक उपलब्धि मैं संसद जी का बताना चाहूंगा, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन गौरव की बात है कि वो लड़का अररिया पर राज कर रहा है, अररिया को चला रहा है, जो कभी स्कूल जाने के डर से नानी के यहाँ रहा करता था, मैंने इनके चाचा से ही सुना है, लेकिन आज अररिया की जनता ने इस पर विश्वास जताया। सर आप कभी नाव चलाते हुए दिख जाते हैं, कभी कुछ? अरे तो हम तो बाहर के इलाके मेरा जन्म है, हम नदी किनारे जन्मे हैं, हम नदी किनारे में नाव भी चलाते थे, वो केला का थाम का नाव चलाते हैं, तो हम तो नीचे से हम कोई ऊपर से थोड़ा है। हालांकि अगर मैं जातीय जनगणना की बात करूं, अररिया में जो 6 लाख मुस्लिम वोटर है, यादव और मंडल की बात करूं तो 2.5 से 3.5 लाख वोटर है, जिस समाज से संसद जी आते हैं महज 1 से 1.25 लाख वोटर है, और दलित और अति पिछड़ा की बात किया जाए तो महज 2 लाख है, फिर भी सर आप संसद चुन करके आते हैं, महज जबकि आप 1 लाख बात से ऊपर उठ करके मैं सबके लिए काम करता हूं, हम सब जाति के लोग, हम जात नहीं अब जमात की बात करें, जात पात से कुछ होने वाला नहीं है, हर जात में गरीब अमीर है, गरीब का भला। अच्छा 35 से 40% मुस्लिम आबादी है,
मुस्लिम मुस्लिमों का क्या लगता है कितना परसेंट भाजपा को? अंतिम सवाल। देखिए मुस्लिम वोट भी पिछले बार हम लोगों को मिला, पिछले कुछ देता है उनको भड़काता है, भाजपा आएगा तो उनको खाएगा। लेकिन मुस्लिम भी जो समझदार लोग हैं उस पर राष्ट्रीय भावना है, अंतिम बात कह दीजिए अपने लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र वासियों को बधाई है। पूजा पर्व चल रहा है, दशहरा खत्म आने वाला, छठ पूजा का काली पूजा पूरा क्षेत्र में भक्ति का माहौल है, खुशी का माहौल है और पूरे सनातन लिखा हुआ है, जयकार है और लोगों में खुशी है। पर्व हम लोग मना रहे हैं, पर्व भी है और विकास भी।